सब्सक्राइब करें टेक विद रक्षित यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित, आप देख रहे हैं टेक विद रक्षित यूट्यूब चैनल को। सो गाइज, आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 11 के बारे में। जी हाँ गाइज, कि ये आपको कब देखने को मिलेगा, इसके फीचर्स की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको इसमें 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा गाइज, ये भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइज, आपने वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि गाइज इसमें आपको बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ, मतलब जो आपको इसमें नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन कौन से सपोर्टेबल डिवाइस हैं वो भी आपको इस वीडियो में पता चल पाएगा। सो गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दें, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एंड्रॉयड 11 जो हमारा 11th मेजर अपडेट देखने को मिलता है। इससे पहले एंड्रॉयड 10 देखने को मिला था, फिर उससे पहले एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिला था। इसमें कोई आपको अल्फ़ाबेट देखने को नहीं मिलता है, सिंपली एंड्रॉयड 11 के नाम से आपको ही जाना जाता है। सो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक कौन से डिवाइसेस में अपडेट देखने को मिल गया है। सो गाइज, ये अभी तक के गूगल के डिवाइसेस में आपको अपडेट देखने को मिल गया, मतलब कि जो उसका पिक्सल XL फ़ोन या पिक्सल का 4 सीरीज का स्मार्टफोन है, तो उसमें आपको अपडेट देखने को मिल गया। उन डिवाइसेज में गाइज, जो फर्स्ट मेजर अपडेट देखने को मिला था, जो फर्स्ट डेवलपर अपडेट देखने को मिला था, वो 15 फेब से 19 फेब के बीच में अपडेट देखने को मिल गया था। और उसके बाद जो सेकेंड बीटा अपडेट देखने को मिला था एंड्रॉयड 11 का, वो गाइज 18 मार्च तक आपको अपडेट देखने को मिल गया था। ये शायद गूगल के ही डिवाइसेज में आपको अपडेट देखने को मिला था, क्योंकि गाइज कोई भी अपडेट आता है लेटेस्ट, तो वो सबसे पहले गूगल के ही डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं, फिर पहले हम फीचर्स की ओर चले जाते हैं, सबसे ज़्यादा हम फोकस इसमें 5G की ओर करेंगे। सो गाइज, फीचर्स की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो एकदम न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो आपको एंड्रॉयड 10 में देखने को नहीं मिले थे। सो गाइज, बात कर लेते हैं फिर पहले फीचर्स की ओर, जो आता है हमारा नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो आपके साइड बार होम स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। और गाइस, इसमें जो फीचर है, ये इसमें आपको बहुत सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब इसमें आप और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कोई ऐप भी ऐड कर सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इसी के अंदर। अब गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, जो आता है म्यूट नोटिफिकेशन ड्यूरिंग वीडियो। ये गाइस बहुत अच्छा फीचर इन्होंने दे रखा है एंड्रॉयड 11 में, मतलब कि जब आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तब आपकी जो नोटिफिकेशन होगी वो म्यूट हो जाएगी, मतलब कि आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा। अब गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो अपडेट देखने को मिलेगा, जो फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा, वो है इंक्रीज टच सेंसिटिविटी, मतलब इसमें आपकी जो टच सेंसिटिविटी है वो आपको और अच्छी देखने को मिल जाएगी, एकदम आपका सॉफ्टली वर्क करेगा आपका स्मार्टफोन। अब गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, ये भी बहुत अच्छा अपडेट देखने को इसमें आपको मिल जाएगा, जो आएगा एयरप्लेन मूड डजंट किल ब्लूटूथ। इसमें गाइस क्या होगा कि जब आप अपना कोई भी सफ़र पर जाते हैं, मतलब कि आप अगर अपने स्मार्टफोन में एयरप्लेन मूड ऑन कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ब्लूटूथ भी हमारा ऑफ हो जाते हैं, जैसे हमारे एंड्रॉयड 10 अभी तक के डिवाइसेज है इनमें ऐसा होता है। अब गाइज, अगर जब आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, तो आप अगर एयरप्लेन को भी ऑफ ऑन कर लेंगे, मतलब कि एयरप्लेन में आपका अगर फ़ोन होगा, तो आपका ब्लूटूथ ऑफ नहीं होगा, जिससे आपको जब आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले अगर कोई एयरफोन यूज करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और आपका फ़ोन में एयरप्लेन भी ऑन होगा और ब्लूटूथ भी आपका आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। सो गाइज, ये भी मुझे बहुत अच्छा फीचर एंड्रॉयड 11 में लगा। अब गाइज, बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, जो आता है इनहेंस वन टाइम परमिशन, जो गाइज बहुत अच्छा फीचर इन्होंने इसमें दे रखा है, मतलब कि अभी तक के हमारे स्मार्टफोन में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़, मतलब कोई भी ऐप ऑन करते हैं, तो कभी वो लोकेशन ऑन करने के लिए कहते हैं, कभी माइक्रोफोन ऑन करने के लिए कहते हैं, कभी कैमरे में परमिशन देने के लिए कहते हैं, लेकिन गाइज एंड्रॉयड 11 में आपको ये सारी चीज़ों के लिए एक ही बार परमिशन देनी पड़ेगी, और एक ही बार आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। ये गाइज मेरे को बहुत अच्छा फीचर उनका लगा। ये तो गाइज हो गए जो मेन फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया। अब गाइज हम आ जाते हैं जो फोकस जिसमें हमने करा था, जो 5G फीचर्स की ओर। सो गाइज, जो हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड 11 में आपके डिवाइसेस को 5G का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो गाइज, इसमें आपको ज़रूर 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज
जो अभी के स्मार्टफोन आ रहे एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, प्रोसेसर आपको बहुत हाई स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है और सॉफ्टवेयर वर्जन आपके चेंज होते जा रहे हैं। सो गाइज इसमें आपको एंड्रॉयड 11 में आपको 5G का सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा, ये आप बात को मान लीजिए। अब गाइज आपने और लोगों की भी वीडियो देखी होगी, किसी ने आपको बताया होगा कि 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, किसी ने नहीं देखने को मिला, लेकिन गाइज ये आपको कंफर्म 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जैसे ही आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा। हाँ गाइज जो स्मार्टफोन एलिजिबल नहीं होंगे एंड्रॉयड 11 के लिए तो उसमें आपको 5G का सपोर्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज वीडियो को आज यहीं तक एंड करते हैं, बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अपने स्मार्टफोन के बारे में जानने की इन स्मार्टफोन में अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा नीचे कमेंट जरूर करना, मैं उन पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय भारत वंदे मातरम।